this performance. I forgot to introduce myself in the beginning. So I am Mehak Irshad Razak, as you all mothers know me as Mehak Aapi. Kids see me as their Molly Aapi. We have Molly in the house as well today watching her show. We have Sabina Aunty, Seema Aunty, then Maru. We have Maruf Aunty. So mashallah, we have a big crowd. Mashallah, mashallah. So we will start in like 2 minutes. Thank you.
without any kindness. Thank you, sir. We have an interval here planned. एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा थे और आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत की 1.5 महीने की और उसका रिजल्ट देख रहे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. कितनी खुशी बता नहीं सकते लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह इनको इस तरह परफॉर्म करते हुए देखने के लिए परफॉर्म करते हुए देखते हुए. तो कहने का मकसद ये कि इस तरह की परफॉर्मेंस है हम तो सोचते हैं अभी बात करते हुए भी सोचना पड़ रहा है ना. तो माशाल्लाह परफॉर्म करना बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस इनका बिल्ड है और ये सब आप लोग की मेहनत है. थैंक यू वेरी मच. इस तरह की बच्चों की परफॉर्मेंस देख के तो हम अपने बचपन में तो सोच ही सकते सिर्फ क्योंकि हम अभी इतने बड़े हो गए हैं हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. जिस हिसाब से टीचर्स की कोशिश है और मेहनत है बच्चों की परफॉर्मेंस देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है. इतनी खुशी के हम इजहार नहीं कर सकते और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस टीचर की मेहनत अल्लाह ताला इनको इसी तरीके से कामयाब करे तो ये दुआ है. थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स एंड नेक. आपके बच्चों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखकर. दिल कर रहा है बस ये लोग बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग देखते रहे बस. थैंक यू सो मच. बिल्कुल जजाक अल्लाह खैर. अब हम अपने बच्चों की कहा करें कि वो आए जरूर. बहुत कम पेरेंट्स हैं पीछे सीट्स खाली हैं. देखो मैं तो कल भी मैंने देखा था आज भी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि मैं कल नहीं देखा था आज दोबारा देख रही हूँ. सो नाइस. अनफॉर्चुनेटली किंग कार्नस ओनली हैड वन एल एंड दैट वाज इज इफ यू केम वीनस एंड ही टुक ओवर द किंगडम एंड ट्रीटेड द पीपल पुअरली विदाउट एनी कार्नस. He had few friends and many enemies and that one royal king. Gone! Gone! Where did this royal king go? Gone! Gone! Where did this royal king go? Yes, king. What problem? Wait for me today. Well, king, I am very difficult. That's the end of the night. A shepherd is here to speak to you about our problem. He is the shepherd of the problem again and again. Oh, the storm is like a
this practice to give you land by it. No, when never. God, take her away now. Him. But King, please, I need your hand. Go, you make me angry. Was our performance of King and
life, to rich, to poor, to plants, animals, to everybody. He was well liked and had many friends on one royal morning. Well, good morning, my dear friend. How are you this lovely morning? Yes, fine! Yes, see, like molesting my king. So, what is on the plan this morning? I shall have a lot of problems to do. Please show him in, please show him in. Hurry up, show him in. Please show him in. Not even one day meal, I grind your burger. Freedom from
again, do not take this decision. That's the final. Maybe next time you will show more kindness in making your decision. इमर्जन प्रोग्राम उस वर्ड से की वर्ड से निकला है कि बच्चे को अंग्रेजी में डिबो दो,
यानी कि जिस कमरे में वो जाए या जिस स्पेस में वो जाए जहाँ इमर्जन प्रोग्राम चल रहा हो वहाँ कोई और लैंग्वेज का लफ्ज भी उसके कान में ना जाए, तो वो सीखता है, फिर वो सुनता है अंग्रेजी तो फिर वो बोलता है, टाइम लगता है। ये बिल्कुल ही हमारी मॉली हाउस में जो हम करते थे वही कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं, तो जब उमरत ने मुझे आके बताया कि ये इमर्जन प्रोग्राम है, मैंने कहा तो बिल्कुल ही हमारे मॉली हाउस का प्रोग्राम है, तो हम ज्वाइन क्यों ना हो जाए, तो जो चीज़ें मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं उसको भी ज्वाइन कर लें और जो इंटरनेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है उसको भी हम ज्वाइन कर लें। तो हमने इसको कहा मॉली हाउस इमर्जन प्रोग्राम। तो अब उमरत ने उसको स्टार्ट किया इमर्जन प्रोग्राम को मॉली हाउस के अंदर, उसी कमरे में जो हमारा मॉली कॉन्सेप्ट था। और फिर इमर्जन जो है वो हमें महक की सूरत तोहफा दे गए, या वो तो चली गई पढ़ने बाहर, लेकिन महक आ गई, महक ने इसको एक लेवल और ऊपर ले गई, महक ने ट्रेनिंग शुरू कर दी 2-4 और टीचर्स की, कि अगर मैं चली जाऊँ या किसी वजह से उसको कहीं मेरे ख्याल में आपका काम है कि उनको जाने नहीं, तो ये और टीचर्स को भी ट्रेन कर रही हैं इसके लिए। और इससे बढ़कर जो चीज़ हुई वो ये कि जिन्होंने नदीम साहब जिन्होंने ये इमर्जन प्रोग्राम लेकर आए थे, उमरत को ट्रेन किया था और उमरत को सिखाया कि ये लेकर जाओ पाकिस्तान, क्योंकि उनको ये बहुत एहसास था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक सदका जारिया हमारे साथ करके चले गए, बिलीव करें उनका और हमारा साथ 1 साल का था, मगर 1 साल में उन्होंने क्या दे दिया हमें। तो उनका उनकी एक सोच थी उन नदीम साहब की, बहुत ही कंपैशनेट और रहम दिल, बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी ये सोच थी कि हमारे बच्चों को हम अगर जब तक अंग्रेज़ी नहीं सिखाएंगे तो डिग्रियाँ कितनी भी दे लें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा जो ज़रूरत है इस माशरे में चलने के लिए, इसलिए कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, गूगल की लैंग्वेज है, जॉब्स में जाते हैं ये चाहिए, यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज है, हम कुछ भी पढ़ा लें नीचे से, ये जब मेडिकल स्कूल में जाएंगे या इंजीनियरिंग स्कूल में जाएंगे वो पूरी अंग्रेज़ी में होती है। दूसरा, दोस्त बनाना, बड़े होकर दोस्त बनाने में अंग्रेज़ी नहीं आती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बच्चे को फील होता है। हमने ये महसूस किया है कि डिग्रियाँ जितनी भी दे दें उसका ताल्लुक अंग्रेज़ी बोलने से नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं मगर जॉब्स के लिए अगर मुल्क से बाहर गए हैं, उन्होंने अंग्रेज़ी ऐसे पिक कर ली है। अंग्रेज़ी सीखते हैं हम सुनने से सीखते हैं, अगर हमारे इर्द गिर्द माहौल ये है कि हम सुन रहे हैं उसको तो खुद ब खुद एक दिन वो लफ्ज बच्चे के मुँह से निकलेगा। तो अंग्रेज़ी सिखाने का जो ज़रूरत है वो इसलिए है, प्लीज़ इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसलिए नहीं है कि हम कोई वेस्टर्न ममालिक के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम बहुत प्राउड पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी उर्दू ज़ुबान बहुत प्यारी लगती है। हाउएवर हमें ये भी पता है कि अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी वो ये एक वाहिद लैंग्वेज है कि जो किसी भी दुनिया के मुल्क में लोगों को आती है। तो अगर ये उठकर अगर चाइना भी चले जाएंगे तो चाइनीज़ बंदा जो सिर्फ चाइनीज़ बोलता है और हमारा बच्चा जो सिर्फ उर्दू बोलता है वो कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अंग्रेज़ी एक ऐसी चीज़ है दोनों के बच्चों ने सीखी है, तो ग्लोबल लैंग्वेज, तो इस वजह से उनको आसानी होती है, कम्युनिकेशन में आसानी होती है। और नीड है हमारे मुल्क की भी, यहाँ पर आपने खुद देखा होगा अंग्रेज़ी बोलने वाला तो जॉब थोड़ी बेहतर मिलती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दोस्त अच्छे बना पाता है जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए जो विजन रखा हुआ है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का रखा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बस मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, कुछ ना कुछ किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, नहीं, हमने उनको रखा हुआ है कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे जाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो चुका है सिलसिला। हमारी एक बच्ची इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट जाती है जो कि पूरे एशिया का बेस्ट आर्ट स्कूल है, जहाँ पर दाखिला नहीं होता, और 75% स्कॉलरशिप पे गई है, 2 साल हो गए हैं उसको दूसरे साल। एक बच्ची हमारी इकरा यूनिवर्सिटी चली गई है, इस साल जो बच्चे हमारे अप्लाई कर रहे हैं लम्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो बच्चे इंशाल्लाह जब तक ये पहुँचेंगे ऊपर तो हम शायद और भी हमारे एवेन्यूज इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी मौली की। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले जब मैं 7 साल की थी तो मेरी गुड़िया का नाम मौली था, ठीक है, तो ये मेरी गुड़िया है मेरे बच्चे। मौली, ये किसकी गुड़िया थी? समझ।